वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले, उसी के साथ न्यूज़ भी चेक करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते कि इंटरेस्टिंग वैल्यू में इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में बेसिक ऑफ प्रोसीजर चेक करेंगे। तो 9.50 पे क्लोजिंग दी थी, तकरीबन 0.52% के गिरावट हो चुके थे फ्राइडे के दिन वोडाफोन आइडिया स्टॉक में। तो इंटरेस्टिंग वैल्यू देखा जाए तो इंसफिशिएंट डाटा की वजह से नहीं बताई गई। आरओई वर्सेस एफडी रेट में भी इंसफिशिएंट डाटा है, पर डिविडेंड रिटर्न एक अच्छा ऑफर नहीं करता है वोडाफोन आइडिया स्टॉक। एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं है। नो रेड फ्लैग्स आने के स्टॉक एएसएम जीएसएम लिस्ट में भी नहीं है और तकरीबन प्रोमोट होल्डिंग में शेष प्लेस भी नहीं, जो कि बढ़िया बात है। प्रो में देखा जाए तो प्रो की चीज़ें भी यहाँ पे आप देख सकते हो। डिपोर प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो हाई है आने वाले 12 महीनों में। क्वालिटी चेक्स भी देख सकते हो कि पोअर परफॉर्मेंस है क्वालिटी चेक्स में, और ग्रोथ स्कोर की भी बात की जाए तो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है ग्रोथ स्कोर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिड कैप का स्टॉक है, मार्केट कैप 30,000 करोड़ के ऊपर है। रिस्क देखी जाए तो हाई रिस्क का है स्टॉक है। की मैट्रिक्स में पी रेशो माइनस में, टोटल जो खर्चा है वो 29,000 करोड़ के ऊपर है। नेट इनकम इस साल भी 44,000 करोड़ का लॉस हो चुका है और जो टोटल रेवेन्यू है 44,000 करोड़ के ऊपर है। टोटल एसेट जो है कंपनी के 2,03,000 करोड़ के ऊपर है। फॉरकास्ट रेटिंग देखी जाए तो यहाँ पे फॉरकास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन एनालिस्ट की राय देखी जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी एनालिस्ट की राय दी थी उनमें सबने कहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। और फॉरकास्ट पे देखा जाए तो प्राइस अर्निंग और रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल सके इस साल में। तो ये लेटेस्ट अपडेट वोडाफोन आइडिया स्टॉक के लिए।